स्वागतम दोस्तों। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं पोकेमॉन स्वर्ड एंड शील्ड, और हम आ चुके हैं मोटोस्टॉक स्टेडियम, जहाँ पे होने वाली है ओपनिंग सेरेमनी, जिसके बाद से हम जिम्स को चैलेंज कर सकते हैं। सो एपिसोड में बने रहना एंड तक, ठीक है? कोई भी चीज़ मिस मत कर देना, पता चले कौन सा अच्छा सीन हो और आप मिस कर दो। तुम्हारा घाटा है भाई, मेरा नहीं। ओह ये आई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चेयरमैन हिमसेल्फ वाज अमंग ऑल दिस एलीट थ्रू द गेट अनाउंसमेंट, सो व्हाई डोंट आई क्लियर ऑफ नॉट ट्राई टू टॉक इट फॉर अ क्रिमिनल ऑफ यू वेस्टिंग टाइम ऑन। भाई तो बेइज्जती कर दी मुझे, लियोन से एंडोर्समेंट मिली है ऐसे कोई बताओ। आई कांट वेट फॉर माय फर्स्ट मैच, प्रीटी सून आई हैव फैंस। ओके इज द फैंस चाहिए। चैलेंजर किंग वाजंट इट, वी मस्ट टेक द जिम चैलेंजर, वी आर देयर इन फॉर ऑफिशियल इवेंट द ओपनिंग सेरेमनी बिगनिंग द जिम चैलेंज, दैट्स व्हाई आई नीड टू गेट चेंज एज वेल। ओके हमें कपड़े चेंज करने हैं, सो लाइक मुझे कपड़े चेंज करके आने पड़ेंगे। सो या हमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी जिसके ऊपर 16 लिखा होगा क्योंकि हमने नंबर वो चूज़ करा है। एंड हियर वी आर, या बिल्कुल मस्त। कौन सा प्लेयर था वो, लाइक मैं भूल गया। वंडरफुल, यू लुक शार्प एज पिन एट द हेयर 16 द रेडी नंबर फॉर यू। नाउ वी आर रेडी टू लास्ट ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ईयर जिम। ओके जिम चैलेंजेस शुरू होने वाले हैं और ये रही ओपनिंग सेरेमनी जो कि मोटोस्टॉक स्टेडियम में हेल्ड हो रही है। लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम को लेकर, लाइक बहुत इन्जॉयमेंट होने वाला है इस गेम में। और यहाँ पे है चेयरमैन रोज, और ये कौन है, इसका एम से नाम था ना आई गेस, बट शी लुक हॉट एज फूक। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके आई एम रोज चेयरमैन ऑफ द पोकेमॉन लीग। Yeah, I know that everyone gathered here and everyone watching from here all be waiting for this big movement. Okay, it's pleasure to announce finally the Galar Gym Challenge will now begin. Okay, ये वो वाला है जो ऐश करता है, हमें ये like rivals भी होंगे। Yes, the gym challenge. Participants must defeat the 8 gym leaders. Yeah, of course. And gather the gym badges to prove their skills as a trainer. Yeah, we have to. Only the one for the of the owner challenge the greatest champion in the history. Yeah, okay, gym greatest champion. Now I would like to invite gym leaders to show themselves. Okay, हम यहाँ पे gym leaders का introduction यहीं पे हो जाएगा. Damn, इनकी entry बहुत गंदी होने वाली है, like epic entry होने वाली है इन लोगों की, ऐसा feel आ रही है मेरे को. Yeah, black होगी ना screen. अब तो सच में बहुत तगड़ी ending entry करवाएंगे इन लोगों की. Yeah, oh भाई, ये रेहान का पैर है. Oh भाई, ये क्या दिखा दिया भाई. Damn, it looks cool. The fighting farmer, grass type expert, Milo. Okay, ये grass type है. The raging wave, it's the master of the water types, Nessa. Okay, oh, she's also good. The ever burning fire, man of fire, fire type veteran, Kabu. Kabu? Kabu तो नहीं है. The silent boy of mystery, Alistair, the friends to ghost types. अरे भाई ये तो नशेड़ी लग रहा है. Full cocaine और can पी क्या है. The master of fantastic theater, the charming fairy types. Okay. The ice cold professional player is welcome. Ice type master Meloni. Oh, she's thick. Nothing. And last but not least, the tamer of the dragons. It's Rehan, the top gym leader. Unfortunately, we are missing one. But कौन गायब है? इनमें से गायब है. These gym leaders are we are in the Galar region proud to call your own. अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और electric type gym leader भी होता है. But वो like sword में है I guess. और shield में Meloni है उसकी जगह. हाँ, ऐसा कुछ तो भी था. And अब क्या आने वाला है? अब Leon आएगा. नहीं नहीं, ये तो हमें भाई, हमारी एंट्री इतनी अच्छी. वाह, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, इट वाज काइंड अनएक्सपेक्टेड. सो या हमें लाइक जिम में बुला लिया. लाइक यार क्या एंट्री थी, मतलब तो शब्द ही नहीं है. और ये बाकी के ट्रेनर्स हॉप और बीडे भी यहीं गई होगी एंड बाकी सब. ओ मैंने नाम रिवील कर दिया क्या उसका? डैम क्या ही बोलूँ, गलती से नाम रिवील कर दिया. बट इट्स ओके, हमारी फर्स्ट पब्लिक एंट्रेंस थी यार, ये तो मज़ा आ गया. ओके यहाँ हॉप आ गया. स्टैंडिंग देयर ऑन द पिच द स्टेडियम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. या हॉप कितना एक्साइटेड. देयर इज नो वर्ड्स बट इट कैन बियरली कंटेन माय सेल्फ, माय हार्ट इज रेसिंग. ओ यू मेड इट लास्ट हॉप एंड यू टू किंग. हम लास्ट में पहुंचे. या सो यू आर द टू ट्रेनर्स आवर चैंपियन इंडोर्स हिमसेल्फ. ओके वेलकम एंड द डिलाइट टू मीट यू, आई एम रोज ऑफ कोर्स. ओके ओ व्हाट्स दिस, यू बोथ ऑलरेडी पोसेस डायनामिक्स बैंड्स. How wonderful it seems you to be led there by guiding the light of wishing stars. By the way, it was wonderful company that invented those dynamic bands, you know? Oh, I dare say there's a gym challenge looking to be an absolute blast. Very good indeed. This means whole Galar DJ is for some excitement. The gym challenge is an excellent opportunity to show off your dynamics Pokemon. Now, I am terribly sorry but there is some urgent business I need to attend, so I must be on my way. Isko kya kaam aa gaya? द बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू. अच्छा ये कंपनी का मालिक यही है क्या? आई डोंट नो, पता नहीं, मोटर लाला जी जैसा दिखता है.
The chairman certainly seems to be high spirits. Now listen closely, you two. You have both only just started your path as a trainer. If you want to win, you need to do more than just to train your Pokemon. You need to train yourself too. हाँ ये तो बात है, सच है. Let's do it, King. You know the gym challenge has set order that you have got to visit the gyms in right. And the first in the tail field get there, we need to head to the route 3. Okay, हमें route 3 पे जाना है. The gym challenge is event aspiring the trainers to start Golar is try to collect gym badges 8. अच्छा ये तो normal है. हमें सारे gym leaders को defeat करना है. So, बिना किसी देर के बाहर निकलते हैं यहाँ से पहले. And like route 3 beyond in order to reach turf field next. ओके वहाँ पे मेरे को लग रहा है माइलो होगा जो कि एक ग्रास और फाइटिंग टाइम जिम लीडर लग रहा है क्योंकि उसकी बॉडी जैलेंजर किंग द चेयरमैन आस्क्ड मी टू डिलीवर द गिफ्ट टू यू. क्या गिफ्ट दे रहा है? कुछ अच्छा दियो. अ गिफ्ट सच एज वंडरफुल थिंग फ्रॉम चेयरमैन. एक्सक्यूज मी द गिफ्ट एक्सेस द फ्लाइंग टैक्सी. दिस अलाउज यू इन द वर्ड फ्लाई. कॉलिंग फ्लाइंग टैक्सी विल अलाउ टू ट्रैवल क्विकली बैक टू द एरियाज. ओके ये फ्लाई अटैक जैसे काम करेगा फ्लाइंग टैक्सी. ये तो हमें लाइक अभी मिल गई. अभी तो हमारे पास कोई जिम बैज भी नहीं है और अभी हमें इन्होंने फ्लाइंग टैक्सी जैसी चीज दे दी. इट्स ऑल राइट, आई विल रीड यू द असेसमेंट द फ्लाइंग टैक्सी यूजर्स मैनुअल. हाँ प्रेस एक्स बटन टू. अच्छा हाँ लिखते ताकि कोई सिस्टम मैसेज लिख सके. तो लाइक ये काफ़ी अच्छा था. टर्फील्ड जाना इज एन दैट राइट किंग. वी आर ट्रेवलिंग अ न्यू प्लेस. इट्स बेस्ट टू गेट देयर ऑन योर टू लेग्स डोंट यू थिंक. ओके लाइक हाँ फ्लाई अटैक का ही काम है. गो जिम चैलेंजर डू योर बेस्ट. आई एम चीयरिंग फॉर यू. यस सुकू. ओह ये हमें लाइक चीयर कर रहे हैं इतनी अच्छी तरीके से. यार ये तो काफ़ी खुश कर दिया. इस चीज़ ने काफ़ी खुश कर दिया. डेम तो इनसे बात करते हैं. और यहाँ पे रास्ता है यार. लाइक मैंने इस जगह को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करा नहीं है. टाउन काफ़ी बड़ा है तो लाइक मैं सोच रहा हूँ अभी इसको. यहाँ कुछ चमका यार. हाँ एक्स एक्यूरेसी थी वहाँ पे. लाइक मेरे को लगा कुछ चमका उस तरफ. सो नीचे चलते एक बार. नीचे चले जाते हैं. लाइक मेरे को पूरा टाउन देखना पड़ेगा एक बार. लाइक मैंने पूरा टाउन एक्सप्लोर नहीं करा है. सो यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे कुछ मेरे को स्पेशल सा रास्ता दिख रहा है. यहाँ पे एक कोई बंदा खड़ा है. इससे बात करते हैं. आई सेंस अ ग्रेट पोटेंशियल एज अ ट्रेनर इन यू बट स्टिल विल अर्ली कम बैक व्हेन यू बिकम चैंपियन. ओह ये बंदा हमें चैंपियन बनने के बाद बुला रहा है. मे बी इसके पास कुछ स्पेशल मतलब पोकेमॉन्स होंगे फिर हमें चैलेंज करके कुछ देगा. मे बी जस्ट अ अजम्पशन. यहाँ पे पानी के बुलबुल उठ रहे हैं. फिशिंग रॉड ट्राई करते हैं. यहाँ पे कौन आएगा कौन आएगा यार. कोई तो हो. ऐसे नहीं चलता. कोई तो होना चाहिए. अरे कोई तो ऐसे कैसे. ओ कुछ है कुछ है कुछ है. पूल करता हूँ. ओके मैजिकअप आए यार. नॉर्मल मैजिकअप. मुझे एक बार को लगा शाइनी है. शाइनी होता तो क्या ही लक होता मेरा है ना. बट क्या करें इतना अच्छा नसीब होता तो मैं पीएम होता. कभी कभी कुछ भी बोल देता मैं जो मन में आता है. नेवर माइंड. सो ऊपर चलना पड़ेगा हमें वापस से और देखना पड़ेगा गेम में हम और क्या कर सकते हैं. लाइक बहुत लोग अभी भी जेलस होंगे कि यार मैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड खेल रहा हूँ क्योंकि लाइक बहुत लोगों का मन है इस गेम को खेलने का. बट वही है कि अभी तक एमुलेटर आया नहीं है. और एमुलेटर आएगा तो पहले के 2 साल तो लोग उसे खेल ही नहीं पाएंगे क्योंकि लाइक उसके लिए ग्रेट पोटेंशियल यानी कि यार मतलब रिक्वायरमेंट्स होती है डिवाइस रिक्वायरमेंट्स. तो उसमें तो द जनरेटर सेपरेटेड फ्रॉम जिम चैलेंज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हू इज स्ट्रॉन्गर. ये तो हमें पता है. माई मेंशिनो गॉन मिसिंग. व्हाट शुड आई डू. कैन आई हेल्प. यू हेल्प लुक फॉर मेंशिनो. माई मेंशिनो लाइक्स टू प्ले इन वाटर एंड ऑल्सो लाइक सराउंडिंग विस्लिंग. ओके आई बेट इट्स हाइडिंग समवेयर. देयर इज अ लॉट्स ऑफ वाटर बट आई कांट थिंक द पीपल लॉट्स ऑफ वाटर हेयर इन द मेट्रो स्टोक. इट हैज अ वियर क्राई साउंड. सो मोव. सो इफ यू हेयर दैट क्राई ट्राई विस्लिंग. ओके इसकी मेंशिनो को ढूंढना है गाइस हमें. सो कहाँ होगी. पानी तो नीचे साइड था. चलो एक बार पोकेमॉन सेंटर चलते हैं एक बार गाइज. वहाँ पे लाइक ये अंकल से बात करते हैं. पोकेमॉन गुड समथिंग टस. अरे यार बकवास ही करते रहेंगे. अदर आई लॉट ऑफ वर्क फॉर गेम पार्ट टाइम पोकेमॉन डे. ये तो सब जॉब वाले बंदे हैं. टाइम टू अनविंड फ्रॉम डे माई वर्क. नाउ डू आई. अच्छा जिम चैलेंज देखने. ओके एटीएम बेच रहा है. ओके राउंड हेल्पिंग हैंड. मैं एक भी ना खरीदूँ इनमें से. जिंदगी बर्बाद हो जानी है ऐसी चीज़ें खरीद के. तो ओके पोकेबॉल ले लेते हैं. 10 ले लेते हो 20 पोकेबॉल हो जाएगी मेरे पास एटलीस्ट. और पोशंस भी एक बार देख लेते हैं. रिवाइव एक है ना 4 ले लेता हूँ. ओके 5 हो जाएंगे. या ठीक है ठीक है. पोशन 2 हैं. 3 ले लूँ. 4 5 5 ले लेता हूँ यार. काम आएंगे. लाइक कितने पैसे हैं तो यूज़ कर ही ले. ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है इवेंचुअली. पोकेमॉन की हेल्थ कैसी है मेरी. ओके अभी तो फुल हेल्थ पे है. सो आई डोंट नीड टू लाइक गो टू टॉक टू आर ब्यूटिफुल एंड ग्लैमरस नर्जर. आधे लोग बोलेंगे हॉप की भी इतनी तारीफ कर दिया कर. एंड नो सिम गाइज. मी शरीफ. आई एम द मोस्ट शरीफ इन माई एज ग्रुप. ओके सो यहाँ से भी एक रास्ता है. लाइक कितने रास्ते हैं. सिटी कम भूलभुलैया. ये भूलभुलैया 3 बना देंगे इस पर लोग. 2 तो ऑलरेडी आ गई है. 3 बना देंगे.
अरे क्या साइकिल थी, मज़ा आ गया राइड खा के। ओके यहाँ पे सिटी पे जाऊँ, यहाँ से कहीं से निकल जाए, यहाँ पे भी ट्राई कर लेता हूँ। मिंचिनो वेयर आर यू माई डार्लिंग, पोकेमोन को डार्लिंग बोलना सही नहीं लग रहा ना, बहुत गंदी फेटिश साउंड कर रही है, रहने दो कुछ नहीं बोला मैंने, इग्नोर इट। यहाँ सिटी पे जाऊँ, मतलब घास से निकलता है वो, वहाँ कुछ चमका फिर से, क्या है रिवाइवल हर्ब। ओके इराइज ऑफ एंटर पोकेमोन फुल्ली रिस्टोर्ड एचपी। ओके तो लाइक मुझे लगा कुछ तो चमका, बट या इट्स गुड। ओके तो यहाँ लाइक मैं खुद भटका हुआ हूँ, यहाँ पे चल के देखते हैं। आई नेवर गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग दोज जायंट, बस यही वही फिजेट स्पिनर लेके दे दो इसको कोई। ओके यहाँ पे कुछ चमका, नगेट, नगेट ऐसी जगह पे नगेट फेंक रखे हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। ओके यहाँ वापस से पोकेमॉन सेंटर वाली जगह आ गए, एक सिटी में दो पोकेमॉन सेंटर, आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। सो यहाँ पे सिटी बजाते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ अंकल है। ओके यहाँ पता चले पाइप से निकल गया है, पानी तो यहीं पे है यार, यहीं कहीं होनी चाहिए, और कहाँ हो सकती है, अदे यार। ओके तो वापस यहाँ से चलते हैं, उफ क्या करे दुनिया में दुख दर्द नगातो सॉरी पेन नॉट नगातो। ओके गाइस अगर आपको पता है ये किस चीज़ का कैमो है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और जितने और जो बताएगा उसे मेरी तरफ से शॉर्ट आउट। और क्या चाहिए तुमको, और क्या चाहिए तुम्हें ज़िंदगी में, मेरे जैसे बंदे। ओ भाई एक पोगे बॉल के अंदर तीन ग्रेड बॉल डाल के रखी है, एक पोगे बॉल के अंदर तीन ग्रेड बॉल, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। इससे बात करते हैं, दो दर पोगे बॉल लव टू बैटल लाइक अदर। ओके मैंडी बस की तरफ देखे, गुड गुड डे टू यू। ओके ओ टिम्पोल, हेलो टिम्पोल, पॉइंट पॉइंट। ओके इससे बात, कम ऑन नाउ टिम्पोल टाइम टू हेड होम। ओके घर ले जा रहे अपने टिम्पोल को। ओ हेलो आई फाउंड प्लेइंग मैंडी बस री वेज गुड। ओके लाइक कुछ भी, लाइक मैंडी बस इज अ लाइक फीरियस पोकेमॉन यू नो, लाइक काफ़ी बल्कि तो नहीं कहेंगे उसे, बट स्ट्रॉन्ग है, लाइक फ्लाइंग टाइप में मैंडी बस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग आई वुड से दिस। यहाँ पे वे सीटी बजा के देख रहे थे, पता चले कहीं से उड़ता हुआ आ जाए मिंचिनो, मैं मिंचिनो मिल नहीं रहा, मैं उन बच्चों को शक्ल कैसे दिखाऊंगा अपनी, कभी भी ट्रॉमा हो जाएगा मेरे को, डिप्रेशन आ रहा है मेरे को कतई। यहाँ पे एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, मे भी यहीं कहीं हो, यहाँ पे भी पानी था ना, यहाँ पहले आए थे, सो लेट्स गो फॉर इट। ओके मेरे को लग रहा है मिंचिनो मेरा पूरा एपिसोड खींच देगा आज का, मेरी जॉब खा जाएगा मिंचिनो। ओके यहाँ पर ट्राई करते हैं सीटी बजा के। ओके यहाँ पे भी बजा लेते हैं, भाई कहाँ पे है मिंचिनो, कहाँ मर गई मिंचिनो, मैं परेशान हो गया हूँ इधर उधर करते करते, वैसे ही मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, मैंने गेट बंद कर रखा है कि रिकॉर्डिंग बाहर की आवाज़ें ना आए, देख रहे हो मैंने करी है ना। इसी बात पे वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो का लाइक करना बनता है। एक चीज़ नोटिस करी मैंने जस्ट अभी करी कि हम ना सीढ़ियों के बीच में खड़े हो सकते हैं, और वो एनिमेशन दिखाता है एक पैर ऊपर एक नीचे, जबकि पुरानी गेम्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था यार, लाइक कितनी एडवांस हो गई है गेम्स, काम फायर एंड लीफ ग्रीन खेलते थे, लाइक ऐसी चीज़ें नोटिस करने में बहुत मज़ा आता मेरे को। लाइक वी हैव टू डू मेनी थिंग्स यार, वो बेचारी मिंचिनो को ढूंढो यार, मेरे को डिप्रेशन आ रहा है, कहाँ मर गई मिंचिनो, लाइक कहाँ कहाँ है मिंचिनो, वेयर इज मिंचिनो। सो गाइस गेम बंद हो गई थी, अब मुझे बहुत सी चीज़ें उठानी थी, लाइक जो चीज़ें गेम को सेव करने से पहले नहीं उठाई थी वो सब चीज़ें मुझे वापस से उठानी पड़ेगी, कॉज वाई नॉट, अब करिए हरकत तो वापस से करो, अब क्या ही कर सकते हैं। सो लेट्स गो, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू थिंक कि पहले मिंचिनो को ढूंढ लेते हैं, एंड लाइक यहाँ पे वापस से आ गया हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे एक फाउंटेन था, हाँ यहाँ, अब मैं यहाँ पे सीट बजा के ट्राई करता हूँ, मे भी यहाँ निकले मोप, देखा यहीं पे आवाज़ है भाई, पूरे शहर में नदियाँ नदियाँ बह रही है, इसको फाउंटेन के पास खेलना है, वो बंदा भी कह रहा है कि ओ, फिर से भाई तीन बर्न ही निकले इस बार, भाई हद होती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा है, दूसरी बार हो रही है ऐसी चीज़ मेरे साथ। एंड लाइक यहाँ पे भी ट्राई कर लेते, पता था यहाँ से, वहाँ से मिंचिनो निकला, यहाँ से मोल का, ओ यहाँ कुछ चमका, आई गेस कुछ तो चमका, हाँ रेपल, वैसे मोल का निकला नहीं जो मैं सोच रहा था, बट इट्स ओके, आई डल नेवर डिसअपॉइंट्स, हाँ रेपल मिला ही मोल का नहीं मिली तो क्या हो गया। सो अभी मुझे वापस से वो सब चीज़ें उठानी है,
कुछ नया होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मुझे इनको पहले मिंचिनो इनका वापस करना होगा, क्योंकि मैं चोर तो नहीं हूँ, मैं टीम रॉकेट से नहीं हूँ। मिंचिनो कम बैक, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, प्लीज़ टेक दिस सेइंग थैंक यू। बॉटल ऑफ थ्रॉट स्प्रे, गले का स्प्रे दे दिया, इसी कैसे पता मेरा गला फटा हुआ है। इमोशनल डैमेज दे गया यार ये तो। सो मैं वो सब चीज़ें वापस करता हूँ, कुछ नया होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। सो वेट अ सेकेंड गाइस। सो गाइस मैं नीचे आया था नगेट, और मेरे को याद है यार मैं एक दो शॉप्स में नहीं गया इस साइड। सो पहले वहाँ चलते हैं और वहाँ से लाइक कुछ अच्छा मिले तो देखते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस शॉप में नहीं गया था, मैंने टी एम वी एम तो ले लिए थे। एंड लाइक इस शॉप में कुछ हुआ तो ओके, हाँ मैं एस्प्रेसो पी सकूँ। वेलकम टू बैटल कैफे, यू कैन बैटल वंस अ डे इफ यू वांट, यू विल गेट अ ट्रीट ऑन आवर हाउस, डू यू वांट टू बैटल, ओके ओके। अरे मुझे एस्प्रेसो दे दे यार फ्री में, मैं इसको हराता हूँ और इससे फ्री में एस्प्रेसो लूँगा यार, मेरे को एस्प्रेसो पीने का बहुत मन है। एंड इसके पास तो कॉम भी है, ओके ओके, मे बी मेरा डॉटल काफ़ी होगा, आफ्टर ऑल इसके पास कन्फ्यूजन जैसा अटैक है। सो या आई एम गोइंग टू यूज़ कन्फ्यूजन ऑन दिस लिटिल गाय, कन्फ्यूजन, एंड आई एम गोइंग टू विन फॉर श्योर यार, जीत तो पक्की है हमारी। ओके वन शॉट कर दिया मैंने कॉम्बी को, एंड दैट वाज सिंपल। ओके वन हिट करा भाई, वन हिट करा थारे भाई ने, वन हिट करा। ओके मैंने पुके को ज़्यादा ओवर लेवल नहीं होंगे क्या से मारे डे, हाँ हाँ आई थॉट द डेलिकेट स्वीट टेस्ट फॉर यू। ओके दैट वाज अ बैटल आई लीगन एज अ कप ऑफ रोज रेड टी हियर आई ट्रीट परमिट एस्प्रेसो। अबे यार एस्प्रेसो चाहिए थी मेरे को, बट रेयर कैंडी एंड बैड वी लुक फॉरवर्ड। ओके यार मेरे को एस्प्रेसो पीने का है अब खुद पैसों से खरीदनी पड़ेगी। मैं वैसे IRL की बात कर रहा हूँ, इन रियल लाइफ, सो नेवर माइंड। रेयर कैंडी पकड़ा रही, बट रेयर कैंडी इज नॉट दैट बैड। सो गाइज मैंने वापस से टाउन को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, उतनी चीज़ें ही थी और कुछ ज़्यादा नहीं था। सो डायरेक्टली हम चलेंगे अब रूट 3 पे, और मे बी आज के एपिसोड में हम उसको इतना अच्छे से एक्सप्लोर ना कर पाए, लेट्स सी, हम जितना कर पाएंगे उतना काफ़ी हमारे लिए। एंड ये जो बैकग्राउंड में सीटी बजी उसके लिए सॉरी, अब खाना खाए बिना तो कुछ चल नहीं सकता ना, समझ रहे हो। अरे यार हॉप खड़ा है। देयर यू आर, आई हैव बीन वेटिंग, लेट्स हैव अ बैटल, यू एंड मी विल बी गेट अ बिट ऑफ ट्रेनिंग। ऑलराइट आई न्यू यू'ड बी अप, वी आर मोस्ट कीन एंड ऑलवेज वी वांट टू चिल स्पॉटेड फ्रॉम आवर राइवल्स। अभी इसने बोला बट वाई, बट वाई में अगर मैं क्लिक करता ना तो मुझे दो गालियाँ देके फिर भी ये बैटल करवाते। नहीं 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 फिर पूछते ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो यार, पहले ही सीधा डायरेक्ट चैलेंज, नहीं इनको ऑप्शन देके करवाना है, हाँ में भी ना, ना में भी ना, ना में भी हाँ, क्या करे। कीप माई दिस चांस ऑफ यूर जिम चैलेंज, भाई सच बता रहा हूँ मैं डॉटलर स्पेल है तुमको, डॉटलर से वन शॉट करूँगा तुमको, कन्फ्यूजन मारता हूँ। मे बी वुलू थोड़ा बल्कि है आई गेस, तो उसका डिफेंस ज़्यादा होगा मे बी, हाँ डिफेंस उसका अच्छा होगा, लाइक वुलू का डिफेंस अच्छा होगा, नॉर्मल टाइप भी है ऑफकोर्स। सो लाइक फिर से कन्फ्यूजन मारूंगा मैं इसको, कन्फ्यूजन ओके वुलू तो गया, सो द वुलू को तो पेल दिया, एंड मे बी हमें नेक्स्ट वन कोई अच्छा सा मिल जाए। एंड हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट स्कॉर्पनी, स्कॉर्पनी भेज रहा है, तो इसका आखिरी पोकेमॉन आई गेस रुकीडी होगा, आई गेस इसके पास पिछली बार रुकीडी था ना, आई गेस हाँ रुकीडी था इस पर, तो मैं इस पर कन्फ्यूजन मारूंगा, क्विक अटैक। ओके स्कॉर्पनी की ज़्यादा स्पीड है मेरे से, ये थोड़ी चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो गई बट नॉट बैड। ओके स्कॉर्पनी कन्फ्यूजन मार दो फिर से, हैव अ टेस्ट ऑफ ट्रू पावर, फ्लेम्स आर बर्निंग ब्राइट। अब ये फायर टाइप मूव मारेगा, अब ये फायर टाइप मूव मारेगा और मुझे डैमेज देगा क्योंकि मैं बग टाइप भी हूँ। ओके ये पता है क्यों नहीं हुआ इतना, क्योंकि एक तो मेरा लेवल इससे लाइक थोड़ा ज़्यादा है, लाइक छः लेवल ज़्यादा है मैं इससे, छः नहीं सॉरी 5 लेवल ज़्यादा हूँ। भाई ये पोशन यूज़ कर रहा है, आर यू किडिंग मी भाई, राइवल्स कब से पोशन यूज़ करने लग गए, पहले गेम में सुपर पोशन यूज़ करते थे, अब ये पोशन भी यूज़ करेंगे। और मैं ये बता रहा था डॉटलर का डिफेंस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये मिडल स्टेज है, किसी भी बग टाइप की मिडल स्टेज सबसे स्ट्रांग होती है, लाइक मेटापॉड हो गया, ककूना हो गया, इनकी इसलिए डिफेंस ज़्यादा होता है। अभी क्रिटिकल हिट था फिर भी मेरे को इतना कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि मेरा डिफेंस ज़्यादा है, जबकि मैंने डिफेंसिव मूव भी यूज़ नहीं करा। एंड बातें करते करते ही स्कॉर्पनी को हमने हरा दिया जिसने सुपर पोशन यूज़ करा था, बट नेवर माइंड कोई बात नहीं, थोड़ा सह लेंगे। रुकड़ी भेज रहा है, नो लाइक मैं स्विच करूँ क्या, मैं स्कॉर्पियो को भेजूँ या ड्रिजल, ड्रिजल से एंड करते हैं मैच, लाइक ड्रिजल और MVP होना चाहिए यार, वैसे MVP तो डॉटलर है क्योंकि मैं उसे ही ट्रेन कर रहा हूँ। एंड बट ड्रिजल बैक कौन है, यू आर रॉन्ग वे, ड्रिजल जस्ट विक्ट्री ऑल द बेटर। हाँ तेरा ड्रिजल ना मेरे 19 लेवल के 3 पोकेमॉन को वन शॉट करेगा, नहीं नहीं आयरन भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, 3 पोकेमॉन को वन हिट करेंगे भाई,
वाटर, एक वाटर पल्स में मारूंगा इसको, मैं सच बता रहा हूँ, एक वाटर पल्स में वन शॉट होगा, देख लियो भाई, देखा वन शॉट ड्रिजल का कमार, देख रहे हो वन शॉट, इसका कोई प्रॉब्लम वन शॉट नहीं किया था हमने अभी तक, अब कर दिया भाई ड्रिजल ओपी, भाई ड्रिजल ओपी इन द चैट गाइस, वाज रियली गुड रिंग लुक्स, ओ भाई हरा दिया हमने इसको पूरी तरह से, सो एंड नो बैड हम सेफ ट्रेनर है, जस्ट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय राइवल, यू नो व्हाट आई विल गिव यू माय लीग कार्ड, दैट्स हाउ गुड आई थिंक इन द बैटल, ओके हॉप ने अपना लीग कार्ड दे दिया है, और ये जो चौथी सिटी बज रही है इसके लिए भी सॉरी, और स्टार्ट टाइम मोटो शो, ऑलराइट द फर्स्ट जिम लीडर वी हैव चैन टाउन, ओके अगले टाउन में होना है माय वे टू चैंपियनशिप मैच, हेलो गला मीटर नेक्स्ट चैंपियन फ्रॉम द स्लीपी टाउन पोर्ट्सविक, इट्स मी हॉप, सो गाइस मैं तो सोच रहा हूँ आज के एपिसोड को यहीं तक करते हैं, हमने आज उसको हरा दिया हॉप को, सो दैट्स इट, पीस आउट, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज़।